17 सेंचुरी में लेजरस कोलोरेडो एक मर्डर के लिए कन्विक्ट हुआ था और कोर्ट ने उसको डेथ सेंटेंस सुनाया, यानी उसको फांसी की सजा होने वाली थी। लेकिन लेजरस एक शरीर नहीं था, वो कंज्वाइंड ट्विन थे, यानी जैसा कि आप देख सकते हो उसके बॉडी के इस पार्ट से उसका एक भाई भी था जो कि उसी में जुड़ा हुआ था। लेकिन डेथ तो मेन वाले लेजरस ने किया था और कोर्ट में भी ये प्रूव हुआ और डेथ सेंटेंस मिला। लेकिन जब उसे डेथ सेंटेंस फाइनली हो गया तब उसने कोर्ट को ये कहा कि अगर उसे मारा गया तो उसके साथ जो ट्विन है ये भी मर जाएगा, लेकिन इसने कोई गलत काम नहीं किया है अपने हाथों से, तो ये इसके लिए कोई तरह का न्याय नहीं हुआ। और ये बात सुनने के बाद कोर्ट को भी टेक्निकली इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ा और इस बात को कंसिडर करना पड़ा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ एक भाई भी था। और फाइनली इस बात के चलते, इस तर्क के चलते उसका एग्जीक्यूशन रुक गया और उसे डेथ सेंटेंस नहीं हुआ और वो नॉर्मली लाइफ जिया, जस्ट बिकॉज उसका भाई उसके साथ कंजॉइंड था और उसको मारने पे वो भी मर जाता, जो कि पब्लिक को एक्सेप्ट नहीं था क्योंकि उसने कोई गलती नहीं किया था। तो ये एक बहुत ही अजीब सी कहानी थी लेजरस कोलोरेडो की। That's next level wishes, bro.